चाइल्डहुड की सबसे गलत हो गया ये मेरा क्या फंस गया हो गया जाऊं हजारों मैंने हाफ की अप्लाई कर दी अब मैंने क्या कहना है एक सेकंड में बात अब मैंने बोलना है हां वो कटिंग हो जाएगी ना बोल के वो अच्छा समझ नहीं है कैमरा आपके सामने कैमरा है नहीं है जस्ट करूंगा मैं Two hours later. Sorry. Hello and assalamu alaikum everyone. You're watching Life at Arithya Labs. जैसे कि आप सब जानते हैं कि बकरा ईद इज अराउंड द कॉर्नर एंड यू नो कि ईद कोई भी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो आज हम अपने एम्प्लॉय से पूछेंगे कि वो बकरा ईद को कैसे सेलिब्रेट करते हैं और उनको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है बकरा ईद अगर आपसे बकरा ईद के बारे में पूछा जाए तो क्या चीज़ आपके माइंड में सबसे पहले आती है बकरा ही आता है किस चीज़ की स्मेल गोश्त की खून की बकराईद से रिलेटेड क्या वर्ड आता है आपके माइंड में गोश्त ये बकरा ही माइंड में आता है मेरी सेहत देख ले मैं गोश्तखोर इंसान हूँ ये बातें बताई नहीं जाती नजर लग जाती है गोश्त ही दिमाग में होगी रिलेटेड आपके दिमाग में क्या चीज आती है द फर्स्ट वर्ड ऑल डे बिजी रहते हैं किस चीज में बिजी रहते हैं क्योंकि मैं सबसे यंगर हूं अच्छा मटन डिशिंग करना होता है तो यंगर तो कोई काम ही नहीं करते गजब बेइज्जती है मटन कढ़ाई बकरा ईद पर लोग जो है ईद ही इकट्ठी करते हैं मोस्टली कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं गोश्त ही आता है या बकरा आता है अच्छा कोई भी ऐसी फनी मेमोरी जो आप हमारे साथ अपनी शेयर कर सकें बकरा ईद से रिलेटेड बचपन में मेरा बकरा भाग गया था मेरे हाथ से बस खत्म बाय बाय टाटा हम लोग गाय को डालने गए थे चारा और सडनली उसकी रस्सी टूट गई और वो हमारे पीछे थी हम उसके आगे आपकी घर के अंदर थी मैं घर के बाहर तो मुझे दीवार पे चढ़ना पड़ा था तो एक दफा काफी बड़ा बैल ले लिया था हमने और उसको दो तीन दफा उन्होंने गिराया वो गिर के खड़ा हो गया तो वो उसने कुछ थोड़ा बहुत गंद किया और तो मैं वो साफ कर रहा था तो मैं करता करता मैं भी गिर गया तो वो फिर वहां पे मेरा मजाक बन गया कि हमारा बैल गिर गया अच्छा आपकी कोई ऐसी फनी मेमोरी जो आप हमारे साथ शेयर कर सके एक दफा ना हम सारे कजन छोटे थे हम लोगों ने ईद ना साथ करनी थी तो ऐसा हो गया हम लोगों को गाय को खाना डालना था और हम दोनों से डर रहे थे हम दोनों छोटे थे हम लोग वाइपर लेके गए उसके पास हम लोगों ने उसको डराया भगाया वो पीछे हो गई उसके बाद हम लोगों ने डाला खाना उसके बर्तन में और हम लोग वापस आ गए बकरा से रिलेटेड सबसे फनी मेमोरी मेरी यही है कि पिछली दफा हमारा बकरा चोरी हो गया था और मैं उस वक्त बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था तो जब घर में शोर मचा तो मुझे पहले याद ही नहीं आया कि मैंने बकरा बांधा भी था घर में कि नहीं बांधा था शाबाश बेटा बहुत बढ़िया कौन सी ऐसी फनी मेमोरी आपके दिमाग में आती है बकरा ईद को देख के मेरे माइंड में आती है कि मैं नमाज पढ़ने गया था ईद की घर आकर मैंने सबसे ईदी मांगी धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए तो उन्होंने कहा ये लोग गोश्त पकड़ लो लास्ट टाइम मैं अपना बकरा परचेज करने गया था राइट तो ही सेड कि ये 30,000 का बकरा है और ये ऑपरेशन से हुआ था तो 10,000 रुपये हमने ऑपरेशन के भी ऐड कर लिया इसमें ओके जी मेरे को 2 साल पहले की ईद पे हमारा बैल पा गया था कुर्बानी करने से पहले देखा आपने लापरवाही का नतीजा है बकरा ईद पे किस चीज की एक्साइटमेंट होती है आपको कपड़ों की पिक्चर्स की तैयार होने की वुमेन गोश्त की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है छुट्टियों की लेकिन इस बार छुट्टियाँ कम है तो कुर्बानी की एक्साइटमेंट ज्यादा आपने कभी गोश्त खाया नहीं घर वाले आपको खाना भी नहीं देते आपको कैसे पता लगा हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती
बकरा ईद पे गोश्त से तो मुझे कोई इतना है नहीं। कुन्ना गोश्त जो सबसे जल्दी बन जाती है। मटन पुलाव या शामी कबाब। कौन सी ऐसी डिश है जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार होता है कि बकरा ईद पे मैं ये डिश खाऊंगा? बकरा ईद पे मैं पकौड़े ज्यादा मजे से खाता हूँ, फ्राइड पकौड़े। सही है। विद केचप। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। ऑनेस्टली कहूँ तो कोई भी चीज हलाल मिल जाए, कोई भी चीज हलाल मिल जाए।